हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर इजी एंड हेल्दी कुकिंग। आज बनाएंगे पकोड़े वाली कढ़ी और सबसे आसान तरीके से बनाएंगे। इस तरह से बनाएंगे ना तो आपकी कढ़ी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनानी है। सबसे पहले हम पकोड़े बनाने के लिए घोल तैयार करेंगे। ये देखिए, ये मैंने 7 चम्मच बेसन लिया है। ये नॉर्मल वाली चम्मच है जो घरों में होती है। ये इसमें डाल लेंगे और इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच से थोड़ा कम नमक। नमक आप स्वाद अनुसार डाल लें। 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच लाल मिर्च और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच ये अजवाइन डालेंगे। रगड़ के डाल देंगे। अजवाइन डालने से एसिडिटी नहीं बनेगी। इनको मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा मसाले हम कुछ नहीं डालेंगे। पानी डाल के इसका एक घोल बना लेंगे। घोल आपने लम्स फ्री बनाना है। अगर इसमें छोटी छोटी गांठ हो तो चम्मच से तोड़ के बिल्कुल स्मूथ पेस्ट इसका बना लीजिए। जैसे घोल बनाते हैं पकौड़े का, वैसे ही आपने बनाना है। और ये देखिए, ये हमने पकौड़े का घोल बना लिया है और इसके लिए मैंने 1/2 गिलास पानी यूज़ किया है। इसको हम ढक के रख देंगे और अब कढ़ी बनाने के लिए घोल बना लेंगे। ये मैंने 1/2 लोटा दही ली है। ये 1/2 लीटर दूध की दही है। ये इसमें डाल लेंगे। ये मैंने 7 चम्मच ही बेसन लिया है कढ़ी के घोल के लिए। आज मैं 9-10 जनों के लिए कढ़ी बना रही हूँ दोस्तों। अक्सर मैं इसी नाप से कढ़ी बनाती हूँ। इसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और इसको घोल लेते हैं अच्छे से। इसमें भी लम्स नहीं रहने चाहिए। बिल्कुल अच्छे से आपने इसको फेंट लेना है। और ये देखिए, इसको मैंने घोल दिया है। ये घोल बनके हमारा तैयार है। इसमें 1 गिलास पानी डाल के घोल देते हैं और ये हमारा कढ़ी के लिए घोल तैयार हो गया है। अब हम लेंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई में डाल लेंगे 2-3 चम्मच तेल। इसमें डालेंगे 1 तेज़पत्ता, 8 से 10 काली मिर्च और 4-5 इसमें लौंग डाल देंगे। फ्लेम को इस टाइम हम लो रखेंगे। 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, 1/2 चम्मच मेथी दाना। कढ़ी में मेथी दाना ज़रूर डाल लेते हैं और 1/2 चम्मच से थोड़ी कम अजवाइन डालेंगे। 2 पिंच हींग डालेंगे और ये देखिए 1 चम्मच ये साबुत धनिया है। रगड़ के डाल सकते हैं। कढ़ी में जो ये साबुत धनिया रगड़ के डालते हैं ना, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सारे मसालों को पक जाने देंगे और अब ये घोल हम इसमें डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। 1 गिलास पानी और इसी बाउल में डाल के डाल देंगे। अच्छे से इसको साथ साथ मिक्स करते रहें और 2 गिलास पानी मैं इसमें और डालूंगी। टोटल मैंने इसमें 4 गिलास पानी डाल दिया है और ज़रूरत लगी तो बाद में डाल लेंगे, क्योंकि कढ़ाई को ऊपर तक भी नहीं भरना होता। जब कढ़ी में उबाल आएगा तो कढ़ी निकल जाएगी। कढ़ाई को इतना खाली जरूर रखना होता है। अब फ्लेम को हम हाई कर लेंगे और कढ़ी में उबाल आने तक कढ़ी को हम लगातार चलाते रहेंगे। कढ़ी को अगर बीच में ऐसे छोड़ देते हैं ना उबाल आने से पहले, तो कढ़ी हमारी ऐसे फटी फटी हो जाती है। और इस तरह लगातार चलाते रहेंगे तो बिल्कुल स्मूथ, बहुत अच्छी कढ़ी हमारी बनेगी। तो 1 उबाल आने तक आपने लगातार चलाना है। अभी फ्लेम को हमने हाई रखा है। उबाल आने के बाद हम मीडियम करेंगे। उबाल आने में 10-12 मिनट लग जाते हैं। इतनी कढ़ी को बनाने में दोस्तों 1/2 घंटे से लेकर 45 मिनट तक लग जाते हैं। मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तो 1/2 घंटा लगेगा और लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तो आपका 1/4 घंटा लगेगा, 45 मिनट। कढ़ी को पकते हुए 10-12 मिनट हो चुकी हैं और ये देखिए, इसमें अब उबाल आ गया है और कढ़ी हमारी बिल्कुल भी फटी हुई नहीं है। बिल्कुल स्मूथ है ये, बिल्कुल बहुत अच्छी कढ़ी है। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप स्वाद अनुसार डाल लें। मैंने यहाँ 3/4 चम्मच नमक डाला है और मिला देंगे। अब हम फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और कढ़ी को धीरे धीरे पकने देंगे। कढ़ी जब इस तरह कढ़ती रहेगी ऐसे उबलती रहेगी, तभी इसमें अच्छा टेस्ट बनता है। दो तीन मिनट बाद बीच में हम चला देंगे। अगर आप चाहें तो कढ़ी को लो फ्लेम पे इस तरह 1/2 ढक के पका सकते हैं, लेकिन क्या होता है ये कई बार धोखा दे देती है और निकल जाती है। मैं हमेशा कढ़ी को ऐसे ही पकाती हूँ। कढ़ी को लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे और दो तीन मिनट बाद इसे हम चला देंगे। कढ़ी को मैं दूसरे बर्नर पर रख देती हूँ और तब तक पकौड़े बना लेते हैं। पकौड़े बनाने के लिए पैन में ये थोड़ा तेल डाला है। बहुत ज़्यादा तेल भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो पका हुआ तेल होता है इसको हम बार बार यूज़ करते हैं, जो सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए पकोड़े बनाने के लिए कम ही तेल लेना है। और अब बेसन देख लेते हैं। और ये देखिए, बेसन हमारा पहले से काफ़ी गाढ़ा हो गया है। इसमें थोड़ा पानी डाल के और घोल लेंगे।
फूले फूले पकोड़े आप बनाना चाहते हैं तो मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। बेसन को हमने एक ही साइड 2 मिनट अच्छे से फेंटना है। एक साइड फेंटेंगे तो इसमें एयर आ जाएगी और बेसन हमारा अच्छे से फूल जाएगा, और ऐसे फेंटते फेंटते इसका कलर भी चेंज हो जाता है, थोड़ा लाइट कलर हो जाता है। इस तरह फेंट के बनाएंगे तो बिल्कुल फूले हुए आपके पकौड़े बनेंगे और अंदर से भी बहुत अच्छे पक जाते हैं, बिल्कुल जालीदार पकौड़े बनेंगे। ये देखिए, इसको मैंने 2 मिनट फेंट लिया अच्छे से और इसका कलर भी हल्का हल्का चेंज हो गया है, लाइट कलर इसका हो गया है। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो अब एक चम्मच से हम इसमें एक एक चम्मच भर के डाल देंगे। पकौड़ों को थोड़ी देर एक साइड पकने देंगे और उसके बाद हम इन्हें पलट देंगे। इस तरह पकौड़े बनाते हैं ना, बिल्कुल ऊपर से जालीदार बनते हैं। और थोड़ी देर दूसरी साइड सिकने देंगे, उसके बाद हम पलट देंगे। इसी तरह अलट पलट के दोनों साइड से इन्हें हम ब्राउन होने तक सेक लेंगे। और ये देखिए, पकौड़े हमारे अच्छे पक चुके हैं तो अब इन्हें निकाल लेते हैं। इसी तरह हम सारे पकौड़े बना के तैयार कर लेंगे। आप अगर चम्मच से ना डाल सकें तो हाथ से भी डाल सकते हैं। पकौड़ों को दोनों साइड से पका लेंगे और उसके बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। इस तरह सारे पकौड़े हम तैयार कर लेंगे। और अब कढ़ी को देख लीजिए, कढ़ी हमारी पहले से काफ़ी गाढ़ी हो गई है। देखिए, पहले ऊपर तक थी, अब ये काफ़ी कम हो गई है। एक बार मिक्स करते हैं। अभी तो ये ठीक है, लेकिन ये ठंडी होने के बाद फिर गाढ़ी हो जाएगी। तो इसमें मैं 1 गिलास पानी और डाल देती हूँ और मिक्स करेंगे। थोड़ी देर कढ़ी को पकने देंगे। ये मैंने ली है कसूरी मेथी, इसको हम तवे पे थोड़ा रोस्ट करेंगे और क्रश करके इस तरह से इसमें डाल देंगे। कसूरी मेथी भी ज़रूर डाल लेनी चाहिए, कसूरी मेथी से कढ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा बन जाता है। अच्छे से इसको मिला लेंगे और ये पकोड़े देखिए दोस्तों, अगर आपके पकोड़े ऐसे इधर उधर ज़्यादा निकले हुए हैं तो आप इस तरह से तोड़ दीजिए। ये जो साइड में जो निकल जाता है ना, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं और खाने में बड़े अच्छे लगते हैं, और पकोड़े भी हमारे गोल हो जाएंगे। और जहाँ से ये तोड़ते हैं हम, वहाँ से भी इनके अंदर कढ़ी जाएगी और भी टेस्ट इनका बढ़ जाएगा। इस तरह तोड़ के आप इन्हें गोल कर लीजिए, ये आपकी इच्छा है, तोड़ना चाहें तोड़े, नहीं तो रहने दें। और अब ये पकोड़े हम कढ़ी में डालेंगे। आप चाहें तो पकोड़े तोड़ के भी डाल सकते हैं या फिर ऐसे ही डाल दीजिए। मैं अक्सर घर में जब बनाती हूँ तो तोड़ के ही डालती हूँ। मिला देंगे और कढ़ी को 2-3 मिनट पकोड़ों के साथ पकने देंगे और लास्ट में थोड़ा हरा धनिया डालेंगे और मिला लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, कढ़ी हमारी बनके तैयार है। नॉर्मली घरों में कढ़ी का प्रोसेस यहीं तक होता है। आप कढ़ी को ऐसे भी खा सकते हैं और बहुत अच्छी कढ़ी ये बनी है। अगर आप डबल तड़के का मज़ा लेना चाहते हैं तो चलिए तड़का लगा लेते हैं। एक तड़का पैन ले लीजिए और इसमें 1 चम्मच घी डाल लेंगे। घी को थोड़ा गर्म होने देंगे। 1/2 चम्मच इसमें जीरा डालेंगे और ये 1 सूखी लाल मिर्च है, इसको भी हम तोड़ के डाल देंगे। और 7-8 करी पत्ते डाल देंगे और 1/2 चम्मच ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, ये इसमें डालेंगे। तड़का हमारा तैयार है, इसको हम कढ़ी के ऊपर डाल देंगे और एक फोक की हेल्प से इस तरह मिक्स कर देंगे। और ये देखिए, अब कढ़ी देखने में भी बहुत सुंदर लग रही है और खाने में तो ये इतनी टेस्टी है, इतनी टेस्टी है। आप एक बार इसे बना के ज़रूर देखना, तभी आप यकीन कर पाएंगे। इस कढ़ी को आप चपाती, नान, राइस के साथ खाइए या फिर ऐसे ही खा लीजिए, कटोरी भर के, बहुत टेस्टी लगेगी। अगर दोस्तों आपको आज की कढ़ी की रेसिपी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना। आपको रेसिपी तो पसंद आ जाती है लेकिन लाइक करना भूल जाते हो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल वाला बटन भी दबा देना और ऑल करना ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जल्दी मिलते हैं इसी तरह की एक और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।